तो हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोच। फिलहाल मैं हूं अभी अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जी हां, फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहां से आज एक बहुत ही स्पेशल जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। मेरे सामने खड़ी है देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि चलने वाली है अयोध्या से दरभंगा तक। पहले दिन की जो बात होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, और ट्रेन कितनी चमचमाती हुई लग रही है, कितनी साफ सुथरी दिख रही है यहाँ पर। ये पहला दिन है इसका, इसलिए इसको इतने अच्छे सजाया गया है। बस आने वाले दिनों में इसको इतना साफ रखा जाए। तो इस ट्रेन में करीब 12 स्लीपर क्लास हैं और 8 जनरल क्लास हैं। इतने सारे जनरल क्लास हैं कि आराम से पैसेंजर जो है वो एकोमोडेट हो पाएंगे। इस ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, सामने भी पीछे भी, तो ये पुश पुल मूड में चलने वाली है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होगा बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो ट्रेन बहुत जल्दी एक्सेलरेट करेगी और वैसे ही ट्रेन डिसेलरेट भी काफ़ी अच्छे से कर पाएगी। तो यही फ़ायदा होता है पुश पुल का। तो अगर मैं बात करूं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की ना, तो इसको दो फेज़ में तैयार किया जा रहा है। पहले फेज़ में जो स्टेशन की बिल्डिंग है उसको तैयार किया गया, इसका इनॉग्रेशन आज है। आज पीएम साहब जो हैं वो इसको इनॉग्रेट करने वाले, स्टेशन बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में फेज़ टू में ये सारे जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिलहाल देखो तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है अभी, तो ये ठीक से तैयार नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म भी जो है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करूं तो आज दो ट्रेनें जो है वो यहाँ से इनॉग्रेट होने वाली हैं। एक तो गई हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस और एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जो कि अयोध्या से आनंद विहार तक चलने वाली है, वो भी यहाँ से इनॉग्रेट होने वाली। तो दो ट्रेनें जो है वो यहाँ से इनॉग्रेट होंगी, लेकिन पूरे देश भर में 6 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी आज दिखाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। आज बहुत बहुत एक्साइटमेंट है यार, बहुत एक्साइटमेंट लोगों में। अरे वो ये देखो आप, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखो बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है चीज़ को लेकर के अमृत भारत ट्रेन में। आपको ट्रेन कैसी लगी है? बहुत अच्छी। चलो, तो बच्चों को भी जो है इनविटेशन दिया गया है ताकि वो आए ट्रेन में बैठें। और बिल्कुल हमको भारतीयों पे गर्व है कि हमारा देश जो है वो तरक्की करे, ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो सकती है। अरे वाह, ये देखो, ये देखो आप, ये आपने बनाया? अरे वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है पेंटिंग। ये देखो, वो देखो रामलला, वो देखो, अरे वो वहाँ दिखा दो भैया, क्या खूबसूरत देखो पेंटिंग लोगों ने बनाया हुआ है, क्या अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। और ये देखो यहाँ भी, अरे ये देखो भाई कितने सारे पेंटिंग्स जो बच्चों ने बनाए हुए हैं। देखो अपने बचपन के दिन वापस आ गए, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन वापस आ गए। बेटी दी है प्रभु ने, बेटी का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे तो तुम जवाब क्या देते। आज जिसकी आवाज को तुमने कदमों तले दबा दिया, रुख मोड़ दे आंधी का, वह तुम अधिकार तो देते। तो ये चीज़ काफ़ी चली कि बच्चे जो हैं वो अपने थॉट्स को पेपर पे लिख रहे हैं और सबके सामने जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा देख करके कि इस जनरेशन में भी बच्चे जो हैं ये चीज़ कर रहे हैं। तो अभी पीएम का जो काफिला है वो बस आने ही वाला है, और मेरे ख्याल से यही रास्ता होने वाला है, यहीं से पीएम साहब की जो पूरा कार्रवाई है वो हो जाएगा। और उसके बाद से वो थोड़ा सा यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो उस लोगों को संबोधित करेंगे, और उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन को हरी झंडी जो है वो दिखाएंगे और ट्रेन हमारी यहाँ से रवाना होगी। और ये देखिए प्रधानमंत्री जी का काफिला जो है वो पहुँच चुका है, मतलब अब इनॉग्रेशन जो है बस होने ही वाला है। यहाँ कुछ देर संबोधन देंगे और उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो फाइनली निकलने को तैयार हो जाएगी। दोपहर के 12:13 का वक्त हो चुका है और फाइनली अब जा करके अपना डिपार्चर यहाँ से हो रहा है। तो चलिए प्रधानमंत्री जी ने तो हरी झंडी दिखा दी, बाकी लोग अपने छतों पे आकर के ना, घर के छतों पे आकर के ट्रैक के किनारे खड़े होकर के इस ट्रेन को देख रहे थे, जय श्री राम के नारे जो है वो लगा रहे थे, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो हमारी ट्रेन जो है वो पुशपुल मूड में चल रही है, मतलब एक लोकोमोटिव आगे की तरफ लगा है और एक लोकोमोटिव जो है ये पीछे की तरफ लगा हुआ है। इससे क्या होता है ना कि एक्सेलरेशन जो है वो बहुत कमाल की मिलती है। अब देखना है कि टॉप स्पीड जो है वो कितनी होती है। चलिए, ट्रेन के निकलने के तुरंत बाद जो है लंच जो है वो सर्व हो गया, लेकिन ये लंच जो है वो आपको रेगुलर जर्नी में नहीं मिलने वाला है। पहुंच रहे हैं रामघाट और यहाँ पे लोगों का हुजूम देखो आप। और जैसे ही हम रामघाट स्टेशन को क्रॉस करेंगे ना, तुरंत घाघरा रिवर जो है वो देखने को मिलने वाली है।
चलो फाइनली जो ट्रेन का डिपार्चर हो गया और डिपार्चर होते ही हमें पैकेट जो है वो मिल जाते हैं। अब देखो ये तो इनॉगरल जर्नी, इसलिए आपको लंच की सुविधा जो वो मिल जाती है, लेकिन कॉमर्शियल जर्नी में ये सब आपको नहीं देखने को मिलने वाला। सभी लोग जो है वो लंच इन्जॉय कर रहे हैं अपना। उधर मल्हार भाई भी, उधर हिमांशु भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ, ट्रेन लवर एच वाई, फॉर्मर ट्रेन लवर एच वाई, अभी एच वाई ब्लॉग्स है। और पीछे सौरभ भाई भी हैं प्रयागराज वाले। इस पैकेट में क्या है, राइस जो है वो है, दाल है, मिक्स वेज है, गुलाब जामुन है और पनीर की सब्ज़ी जो है वो दी गई है। तो चलो लंच जो है वो करते, बहुत देर होगा, सुबह से हम लोग यहाँ के वेट कर रहे थे। खाने पीने की जो सुविधा थी वो स्टेशन पे अवेलेबल नहीं थी, तो भूख जो है वो काफ़ी लगी है। तो ये है मनकापुर जंक्शन और यहाँ का माहौल अब देखो, यहाँ पे लगता है कि सेलिब्रेशन जो है वो हुआ था, संबोधन जो है किसी मिनिस्टर ने यहाँ पे दिया होगा और इतने लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा थे। कुछ इस तरीके की भीड़ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी मनकापुर जंक्शन में। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि मनकापुर जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है गोंडा की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधा गोरखपुर की तरफ और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि अयोध्या की तरफ से। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए मनकापुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। चलो बाकी अगर बात करो उस ट्रेन की रफ्तार की, यहाँ तो फिलहाल अभी जो रफ्तार हमारी ट्रेन की है वो अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। हालांकि ट्रेन की रफ्तार जो है वो 130 तक आराम से पहुँच सकती है, लेकिन ये ट्रैक जो है उतने सक्षम नहीं है कि 130 की रफ्तार को झेल सकें, इसलिए 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ही सिर्फ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगी हुई है। अब ये देखिए, ये जो है ये चीज़ ऑन ही है, मतलब अब ये बंद मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बंद नहीं हो रहा है। ये पानी का वेस्ट जो है वो हो रहा है यहाँ पे, मतलब चाह के भी मैं चाहूँ तो बंद नहीं कर सकता उसको, तो इसको बंद करने के लिए मुझे हाथ से जो है वो उसको उठाना पड़ा, फिर जाके बंद हुआ ये। तो पानी का वेस्ट जो है वो हो रहा था, बाकी बहुत लोगों ने वहाँ पैर लगाए होंगे लेकिन पानी का वेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता देख करके। बाकी ठंड का आलम कुछ ऐसा है कि ये रॉड जो है बहुत ठंडी लग रही है पकड़ने में इसको। और हमारी ट्रेन जो है अब पहुंचने वाली है बस्ती रेलवे स्टेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। अब देखना ये है कि बस्ती रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का स्वागत जो है वो कैसे होता है, लोग जो है वो कैसे ग्रीट करते हैं, कितनी भीड़ होती है वो देखने वाली बात होगी। चलो बाकी पर एक चीज़ है कि यहाँ पे ना उतना सेलिब्रेशन या फिर उतनी भीड़ जो है वो देखने में मिल जाएगी, हालांकि सिक्योरिटी जरूर से है पर भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिली। बाकी पहुँच चुके हैं बस्ती रेलवे स्टेशन। अगर बात करें तो गोंडा गोरखपुर के बीच में ना ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इनफैक्ट अगर आप अयोध्या से भी आते हो इधर गोरखपुर तो एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन होता है बस्ती। और अगर बात करूँ बस्ती की ना, तो बस्ती के नाम के पीछे एक कहानी है। लोग कहते हैं कि इसका नाम पुराना पहले वशिष्ठी था और वशिष्ठी इसलिए था क्योंकि तो यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पे राम लक्ष्मण ने कुछ अपना समय जो है वो बिताया था रामायण काल में, लोग ऐसा कहते हैं। तो उसी से इसका नाम वशिष्ठी पड़ा और फिर धीरे धीरे लोग इसको बस्ती के नाम से जानने लगे। अरे मुझे लगा भाई भीड़ है ही नहीं, लेकिन यहाँ भीड़ दिख रही है, बताओ इससे पहले लगा ही नहीं कि भीड़ है, बिल्कुल शांत सब कुछ लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन डिपार्चर ली सामने की तरफ भीड़ है सारी। अच्छा
देखो कुछ ऐसा होने वाला है स्लीपर क्लास, मतलब जब आम दिनों में ये ट्रेन भरेगी ना तो ऐसी भीड़ होने वाली है, स्टेट में देख लो आप बिल्कुल से। सभी लोग एंजॉय करो, अच्छा लग रहा है सबको, गाड़ी अच्छी लगी आप लोग? जो वंदे भारत चल रही थी अभी सिर्फ एसी क्लास था उसमें, लेकिन अब ये नॉर्मल जनरल क्लास वाला, स्लीपर क्लास वाला जो अमृत भारत है वो लॉन्च हुआ है। इसमें जो है सर, गरीब से गरीब लोग ट्रेवल करेंगे, इसकी जो सुविधा है, पहले सीसीटीवी लैस हो गई है और अभी जो धक्के खाने के दोनों तरफ जो इंजन है जिसके कारण धक्के का कोई महसूस नहीं होगा, और आगे चल के देखिए कि इस ट्रेन का क्या होता है। लेकिन अभी जो हम लोग सफर कर रहे हैं इस समारोह में, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही दर्शनीय है। सबसे अच्छी बात है कि हम इस ट्रेन में नीचे से नीचे तबके के लोग ट्रेवल कर सकते हैं, और वो स्वदेशी है। सबसे बड़ी बात यह स्वदेशी अपने देश में बना हुआ है, और हम लोग ट्रेवल माँ जानकी सीता माँ के जन्मस्थली सीतामढ़ी से आते हैं। तो ये अच्छा लगा कि सभी लोग जो है वो खुश। चलो सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत, जय श्री राम, सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं इस ट्रेन को लेकर के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। तो चलो लोगों में जो है वो उत्साह है और इस ट्रेन को लेकर, क्योंकि उत्साह इसलिए क्योंकि भाई आम लोगों के लिए ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है। हालांकि ट्रेन जो है वो आम नहीं है, ट्रेन बहुत खास है, क्योंकि ये देखो ये है नॉर्मल जनरल क्लास, और आपको देख करके यकीन नहीं होगा कि जनरल क्लास जो है वो कुछ ऐसा देख सकता है। हाँ वो बात अलग है कि जब इस ट्रेन में भीड़ होगी, जब इस ट्रेन में लोग रहेंगे, तब इसका मंजर जो है वो अलग होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आप ये देखो, एक बदला हुआ रूप जो है वो देखने को मिल रहा है हमें भारतीय रेलवे का, कि जनरल क्लास जो है वो कुछ इस तरीके से अब दिखने वाला है इस ट्रेन में। और बाकी देखा जाए तो बैठने के लिए पर्याप्त जगह जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे, कुशनिंग जो है यहाँ पे की गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो बैठने में। अच्छा अगर मैं बात करूँ फेयर की ना, तो लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया इसका किराया जो है वो कितना होने वाला है। तो आनंद विहार से लेकर के दरभंगा के बीच में इस ट्रेन का जो फेयर है स्लीपर क्लास का, वो सिर्फ 600 रुपये होने वाला है। तो 600 रुपये में आप दरभंगा से आनंद विहार तक सफ़र कर सकते हैं इस अमृत भारत के स्लीपर क्लास के कोच में। बाकी जनरल क्लास का जो फेयर है वो बिल्कुल नॉर्मल वही होने वाला है जो आप आम ट्रेन में पे करते हो, सुपरफास्ट ट्रेन में पे करते हो। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि कम फेयर में इतनी अच्छी गाड़ी जो है वो मिलने वाली। हालांकि नॉन एसी ट्रेन है, लेकिन फिर भी रफ्तार देखो आप इसकी, इसकी प्रायोरिटी जो है वो भी अच्छी खासी मिलने वाली है। अब ये देख के तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इतनी हाईटेक सुविधा जो है वो दी जा रही है इस कोच में। और अगर बात करें वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी बढ़िया जो है वो बनाया गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। आपको नॉर्मल जो राजधानी में जो वॉशरूम देखने को मिलते हैं ना, वैसा वॉशरूम आपको इस जनरल कोच में देखने को मिल रहा है। अच्छा अगर मैं बात करूँ सीट अवेलेबिलिटी को लेकर के ना, तो यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ 229 सीट जो है वो अवेलेबल है। हाँ जो इस ट्रेन का कॉमर्शियल रन है, पहला कॉमर्शियल रन है, वो होने वाला है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से ये ट्रेन जो है वो आम लोगों के लिए खुल जाएगी, आप इसमें टिकट जो है बुक कर सकते हो। और टिकट का फेयर मैंने आपको बता ही दिया कि स्लीपर क्लास के लिए आपको सिर्फ 600 रुपये पे करने पड़ेंगे दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली तक। बाकी ये हम स्किप कर रहे हैं खलीलाबाद स्टेशन, और क्या खूबसूरत स्किप देखने को मिला। बाकी अब जल्दी ही पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य यानी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो ये जर्नी इस अमृत भारत एक्सप्रेस में करके वाकई में बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और पहली बार हमारे इंडियन रेलवेज में कुछ इस तरह की ट्रेन जो है वो चलाई गई जिसमें स्लीपर क्लास और जनरल क्लास की व्यवस्था थी। तो एक नॉन एसी ट्रेन, आम लोगों के लिए ट्रेन, और वाकई में ये एक बहुत बड़ी सौगात है। बस इस सौगात को सभी लोग जो हैं वो सुरक्षित रखें, साफ रखें, तो हमारा देश जो है वो और आगे बढ़ेगा और चमकेगा। बाकी सभी लोग का धन्यवाद जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, और जब सब लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं तो कोई भी जर्नी क्यों ना हो बहुत ही स्पेशल बन जाती है। तो इन सभी दोस्तों का भी बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।